मुलताई में मानसिक रोगी महिला से गलत व्यवहार करने का मामला सामने आया है, जहां बस स्टैंड पर विगत कुछ समय से रह रही एक मानसिक रोगी महिला के साथ असामाजिक युवक लगातार गलत काम करता रहा है, जिसमें विरोध में स्थानीय लोगों ने राजस्व अधिकारी तृप्ति पटेरिया सहित एसडीओपी के नाम थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रात को यहाँ एक पागल सोती है बस स्टैंड पे, उसके साथ कोई आता है, छेड़छाड़ करता है, गंदे काम भी करता है, ऐसा मेरे को सवारियों ने, बहुत सारी सवारियों ने बताया है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि प्रशासन कोई कार्रवाई करे, क्योंकि एक बार नहीं बहुत बार मेरे को बहुत सवारियों ने बताया है। ये क्या भूल जाता है यहाँ पे? हर एक दो दिन की आड़ में आता है, वो रोज नहीं आता है, एक दो दिन की आड़ में आता है, गलत काम करता है, चला जाता है, कभी कभी मारता भी है उसको। ये यहाँ पे घटना एक महिला है, एक व्यक्ति आता है उसको छेड़छाड़ करता है, और यहाँ जो पैसेंजर रात में सोते हैं वो हमको सुबह आके बताते हैं, और हमारे के वर्करों ने उसको कई बार देख लिया है और सब बस स्टैंड वालों को मालूम है। नर्मदापुरम जिले की सेमरी मंडी में